कोटा में कोरोना वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में हाड़ौती विकास मोर्चे की ओर से लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत नदीपार क्षेत्र में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की मदद की गई। संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला ने बताया कि कोरोना वायरस फैलते संक्रमण के बीच लगातार राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। जो भी बस्तियां हैं जहाँ पे मजदूरों के लोग रहते हैं या जो डेली मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, इन लोगों को सामाजिक संस्थाओं, दानदाताओं के माध्यम से राशन का किट उपलब्ध हो, इसी कड़ी में ये प्रयास सांकला जी द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो करणी नगर कच्ची बस्ती है उस पर लोगों को बुलाया था और इनको 5 किलो का आटे का पैकेट में सब्जी के किट वितरित कराए गए हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छा प्रयास है और इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए ताकि लोगों को मतलब इसमें इस संकट की घड़ी में लोगों को सहयोग मिले। हमने कर्फ्यू का क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों को सामग्री बांटी। उसके बाद जो निचले स्तर की बस्तियां हैं वहां पर भी अब हमने पिछले 3 दिन से काम करना स्टार्ट कर दिया है। आज हम जहां पर है ये नानता की बड़ला बस्ती है, यहां पर हमने 450-500 किट दे दिए हैं, लेकिन और भी 250-300 लोग और यहां पर आए, इनके लिए भी हमने और सामग्री मंगाई है। इसी तरीके से जितनी बस्तियां हैं कोटा शहर में हम वहां जा जाकर देखेंगे, जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम लगातार इस तरह के सब्जी है, आटे के बैग्स हैं और राशन